कपूर खानदान के चकाचौंध में खो गया है एक सितारा। कभी बॉलीवुड का राजकुमार कहा जाता था। त्रिलोक कपूर, रणवीर कपूर से पहले ही उन्होंने धमाल मचा दिया था, हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी थी, लेकिन समय के साथ ये चमकती धूप फीकी पड़ गई है। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। आज जब हम कपूर खानदान के नामी सितारों की याद करते हैं तो त्रिलोक कपूर का नाम शायद ही किसी की जुबा पर आता हो। कपूर खानदान की शुरुआत पृथ्वीराज कपूर से मानी जाती है। उन्होंने हिंदी सिनेमा में अहम योगदान दिया था, लेकिन उनके भाई त्रिलोक कपूर भी किसी से कम नहीं थे। उन्होंने भी कई सुपरहिट फिल्में दी और खूब पैसा कमाया, लेकिन बस स्टारडम नहीं कमा पाए। कपूर खानदान में पृथ्वीराज कपूर के छोटे भाई त्रिलोक का जन्म साल 1912 में हुआ था। भाई से उम्र में छोटे होते हुए भी फिल्मों में कदम रखने में ये काफी आगे थे। साल 1993 में चार दरवेश से इन्होंने बॉलीवुड में दस्तक दी। हालांकि इन्हें असली पहचान मिली फिल्म सीता से। दिलचस्प बात यह है कि उसी दौरान पृथ्वीराज भी फिल्मों में सक्रिय थे, लेकिन ज्यादातर विलेन या सपोर्टिंग रोल में नजर आते थे, जबकि त्रिलोक ने शुरू से ही हीरो के किरदार निभाए और दर्शकों के दिलों पर राज किया। साल 1993 से 1997 तक त्रिलोक कपूर का नाम हिंदी सिनेमा के आसमान पर चमकने लगा था। वो सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि उस दौर के सबसे बड़े पैसा कमाने वाले सितारे भी थे। उनकी जोड़ी उस जमाने की टॉप हीरोइनों के साथ खूब जमी। नूरजहां, नलिनी जयवंत, सुशीला रानी पटेल, मीना शौरी, सुलोचना, इन सबके साथ उनकी जोड़ियां पर्दे पर धमाल मचाती थी। 40 की उम्र में त्रिलोक कुमार की सेकंड इनिंग भी काफी चर्चित रही। उन्होंने फिर पौराणिक फिल्मों में खूब काम किया। कभी वह श्री राम तो कभी हनुमान और श्री कृष्ण के रूप में भी नजर आए। स्क्रीन पर त्रिलोक कपूर की जोड़ी सबसे ज्यादा निरुपमा रॉय के साथ पसंद की गई थी। त्रिलोक कपूर ने कपूर खानदान के हर बड़े सितारे को टक्कर देकर सबको चौंका दिया है। उन्होंने अपने करियर में 30 सुपरहिट फिल्मों में लीड रोल निभाए हैं, जबकि शम्मी कपूर की 28, राज कपूर की 17 और रणबीर कपूर की 11 फिल्मों से कहीं ज्यादा है। लेकिन फिर भी त्रिलोक कपूर कभी भी वो सुपरस्टार का खिताब नहीं पा सके जो शायद उन्हें मिलना चाहिए था। ऐसी न्यूज से अपडेट रहने के लिए वाहिया टॉप को सब्सक्राइब करें।